नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर आए रोज जबरी तब्दीली मजहब करके कम उम्र बच्चियों की शादी का रुझान बढ़ता जा रहा था, जिसके बायस मसीहियों और दीगर अकलियतों में अजतराबी और बेचैनी की कैफियत रोज पर रोज बढ़ती जा रही थी। अकलियतों के लिए एक इंतहाई अहम खबर है कि पाकिस्तान के अंदर कम उम्र और मतनाजा शादियों की रोकथाम के लिए मुल्क भर में निकाह रजिस्टर खत्म करके एक नया निजाम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके तहत निकाह खवानों को टैब दिया जाएगा। टैब पर निकाह पढ़ाने के अलावा उसमें निकाह खवान का अकाउंट बनाया जाएगा, निकाह की फीस निकाह खवान जमा कराने का पाबंद होगा, जबकि गवाहान के शनाख्ती कार्ड स्कैन होंगे। फिर बायोमेट्रिक के बाद अगर स्कैनिंग कार्ड के स्कैनिंग और अंगूठे सही हुए तो गवाही काबिले कबूल होगी। दुल्हा की तस्वीर भी मौलवी साहब बनाने के पाबंद होंगे। अगर दुल्हा मफरूर या किसी मुकदमे में इश्तहारी हुआ तो उसका डेटा फौरी तौर पर टैब पर तस्वीर अपलोड होते ही आ जाएगा और उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तमाम टैब का रिकॉर्ड नादरा से मुंसलिक करने की तैयारियाँ आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नए निकाह के सिस्टम को मुतारिफ करवाने पर मसीही रहनुमाओं जर्नलिस्ट जावेद गुल, पास्टर हनूक सदीक, पास्टर समर जमान, अबीद रहमत, यूनस भट्टी, जान कैनेडी, डॉक्टर आशिर कवल, आकाश एडवोकेट, आमिर गिल नासिर नईन ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि निकाह के नए सिस्टम के तहत मसीहियों की बेचैनी खत्म हो जाएगी और कम उम्र मसीही बच्चियों को जबरी तब्दीली मजहब करवा कर शादी के रुझान पर कदकन लग जाएगी और ये हुकूमत पाकिस्तान का अकलियतों के लिए एहसन इकदाम है।